तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कि पपीते की जो खेती है वो किस तरीके से होती है, और मैंने किया है और बड़ा उसका अच्छा रिस्पांस आया हुआ है। तो इसकी रोपाई कैसे करते हैं, खेत की तैयारी कैसे करते हैं, मैंने सारा कुछ इस वीडियो में क्लियर किया है और उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत पसंद आएगा। काफ़ी लोग आप यूट्यूब पर ढूंढते हैं कि इसकी रोपाई कैसे किया जाए, तो आप लोगों को पता नहीं चलता है, लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है, आप शायद आपको इसको ये देख रहे होंगे आप इस खेत को, तो किस तरीके से मेड़ बना करके मैंने क्या किस तरीके से पूरा सेटिंग किया है। और एक छोटा पौधा है, करीब करीब 35 दिन का है, मैंने उसको लगाया है और पहले भी लगाया था, तो अभी मैंने आज इसको लगाया हूँ। देखिए ये आप देखिए, ये एक पौधा है, आप देख सकते हैं पपीते की पौधा है। और मैंने किस तरीके से लगाया, लोग कहते हैं कि ये नीचे नहीं होता है, ये सिर्फ ऊपर ही मतलब होता है जहाँ पानी ना रुके, लेकिन ये ऐसा खेत है जी, इस मिट्टी को आप देख लीजिए, ये भुरभुरा मिट्टी है और मतलब यहाँ पे पानी रुकता नहीं है। अभी मैंने यहाँ पे पानी गिराया हूँ और देखिए किस प्रकार से ये हो गया है, ठीक है। तो आपको बड़ा डाउट होता है कि किस तरीके से करें, तो देखिए मैंने ये लाइन से यहाँ से कम ये 6 फीट की दूरी है, यहाँ एक लगाया हूँ, एक वहाँ लगाया हूँ, आप देख सकते हैं, और ये दूरी 6 फीट की है। और ये एक लाइन में आप जितना भी हो मतलब आप देख लीजिएगा आपका जो खेत है। लेकिन लगाने की विधि है वो इस प्रकार से है कि जैसे कि मैंने यहाँ पे एक नाली जैसा हल्का सा माटी से मतलब 2 इंच गहराई में एक नाली जैसा बनाया हूँ, और यहाँ से लेकर के ये वहाँ तक मतलब लास्ट तक ऐसा ही मैंने बना दिया है, ठीक है। और ये देखिए इसका जो मिट्टी है मैंने यहाँ से उठा के ऐसे इधर साइड में कर दिया हूँ, ताकि जैसे मान लीजिए यहाँ पे अगर पानी खोलना हो नाली के द्वारा, काफ़ी लोग के पास ड्रिप का सिस्टम नहीं होता है, वो नहर के पानी या फिर अलग अलग जुगाड़ से लगाते हैं, तो मेरे पास तो ड्रिप का सिस्टम नहीं है, तो मैंने सोचा कि चलो कुछ नया करके देखते हैं इसका रिस्पांस कैसे आता है। ये अभी का लगा हुआ है आज का 3 बजे करीब में, और ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ शाम को 5:30 बजे, आप देख सकते हैं। मैंने अभी आया था पानी डालने खेत में, तो मैंने सोचा कि एक बार वीडियो भी बना लूँ, भाइयों लोगों को काफ़ी दिक्कत होती है, वो ढूंढते रहते हैं ना यूट्यूब पे कि यार कैसे लगाएंगे कैसे लगाएंगे। तो देखिए मैंने भी काफ़ी ढूंढा हूँ लेकिन मिला नहीं मेरे को कि कैसे लगाएंगे। तो एक भाई से मैंने बात किया, उन्होंने बताया, मैं उनके खेत में भी गया था, जाके देखा गया, हाँ ऐसे ही लगता है, और उनका बड़ा बड़ा पेड़ है, मेरा तो अभी छोटा छोटा है, लेकिन लगाने की विधि यही है, ठीक है। तो और देखिए इसमें करना क्या है, कोई खाद नहीं है, कोई कुछ नहीं है, और मैं फिर आज ठीक आज से 1 हफ्ते बाद मैं इस पर एक टॉपिक पर वीडियो बना के दूँगा आपको, ये पेड़ कितना बड़ा है देख लीजिए, अभी कितना छोटा है और आगे कितना बड़ा हो जाएगा 1 हफ्ते के बाद, बिना कोई खादर का मतलब कुछ नहीं है, इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ मिट्टी है, मिट्टी और पानी, बाकी इसमें और कुछ नहीं है, ठीक है। मैंने कोई खाद वाद नहीं दिया है, मैंने सोचा कि एक बार बिना खाद का देखेंगे क्या होता है। खाद वाले मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने खाद पर भी एक लगाया था देखिए, और लोग बोलते थे मेड़ बना करके ऐसे कीजिए वैसे कीजिए, ये देखिए इस पेड़ को मेरे को लगाए हुए ऊँचा करके लगाया हूँ, यहाँ देखिए आपको दिख रहा होगा ऊँचा, देख सकते हैं। तो ये मैंने ऊंचा पे लगाया था पौधा, लेकिन इसका कुछ मतलब ठीक तो है लेकिन उतना ठीक नहीं जितना चाहिए, क्योंकि इसको लगाए हुए आज 20 दिन हो गए, लेकिन ये बस ज़्यादा से ज़्यादा 1 इंच से कम ही मतलब इसका हाइट हुआ है, ठीक है। मैंने ऐसे करके लगाया हूँ। तो जितने भी मेरे दोस्त इस वीडियो को देख रहे हैं, आप पता नहीं कितने लोगों का वीडियो देखते हैं, अच्छी बात है, देखना चाहिए, अलग अलग नॉलेज देते हैं, लेकिन मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि देखिए इस तरीके से लगाएंगे अगर तो ये ऐसे होगा, ठीक है। और इस तरीके से लगाएंगे, देखिए जो इस तरीके से मैं ये लगाया हूँ, ठीक है, अभी लगाया हूँ, बहुत छोटा छोटा पौधा है, क्योंकि पौधा ही छोटा था और इसको खेत में लगाना अनिवार्य है, क्योंकि उस खेत को भी खाली करना है, ठीक है। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो एक वीडियो बना के देता हूँ भाई लोगों को कि कैसे खेत में लगाया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बहुत पसंद आ रहा होगा, अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि हमारी मेहनत का फल वही है लाइक, और शेयर तो आप करेंगे नहीं मैं जानता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने ये लगाया है, ये देख सकते हैं ये, ताकि कोई नीलगाय वगैरह कोई जानवर जो है अंदर ना आए, ठीक है। आप देख सकते हैं पूरा खेतों में चारों तरफ से मैंने ये लगाया है, ये सब मैंने अपने हाथों से लगा दिया है, ताकि थोड़ा अंधेरा हो तो सॉरी देख सकते हैं, ठीक है, वहाँ तक मैंने लगाया है चारों तरफ, ठीक है। और इसमें करीब करीब मेरे को लग रहा है 180 पेड़ लग चुके हैं, और 180 पेड़ ख़रीद के नहीं मैं लाया हूँ, क्योंकि ये मैंने घर पे इसका वो किया था, ये घर का मतलब लगाया हुआ है, बीज को मैंने उत्पन्न किया है। और आपसे बताना चाहूँगा कि आप घर पे भी कर सकते हैं यार, ऐसे ख़रीदेंगे तो बहुत महंगा पड़ेगा, मैंने ख़रीदा था यार बहुत महंगा पड़ा मेरे को, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए, और मैं हाँ मैं यार एक चीज़ तो भूल ही गया,
अगर आपको मतलब इसके बारे में कुछ नॉलेज चाहिए तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है। और कमेंट करेंगे तभी मेरे को पता लगेगा कि आपको दिक्कत क्या है, तो मैं जहाँ तक हो सके मैं हेल्प करने की कोशिश करूँगा। और मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस पौधे को देखना है कि सच में ये कितना बड़ा होता है। यार बिल्कुल आसान तरीके से मैंने लगाया है, और फिर देखते हैं आगे क्या होता है। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।